हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक 1 to 16 क्वेश्चन हो गए, आज 17 से शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखते जाना। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर दे रखे हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ ₹8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टली। यानी कि एक्स की कैपिटल है 8 लाख और वाई की कैपिटल है 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना एग्रीड हुआ है? 5%। वाई इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। वाई को सैलरी देनी है 60,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, लेकिन वो उसने कैश में विड्रॉन नहीं करी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वॉज ₹2,40,000। कहता है कि जो प्रॉफिट आया है 2,40,000 उसमें से वाई की सैलरी डेबिट हो चुकी, यानी कि माइनस हो चुकी। ये पिछले क्वेश्चन जैसा है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था। आगे एक और पॉइंट इसमें आ रहा है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, और मैनेजर को कमीशन देना है प्रॉफिट के ऊपर जो नेट प्रॉफिट आया होगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट की एलोकेशन करके दिखानी है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्वेश्चन की अब स्टार्टिंग करते हैं, देखो कैसे होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा पी एंड वर्किंग नोट्स में। क्यों बनाना होगा? क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना है, और आपको याद हो कि जो मैनेजर को कमीशन है इट इज मैंडेटरी, और वो नेट प्रॉफिट पर देना है। इस क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट आ गया कि इसके अंदर जो प्रॉफिट आया वो सैलरी माइनस होने के बाद आ गया, जबकि सैलरी लिखनी तो हमने यहां थी, लेकिन बाई चांस वो हमने पी एंड एल अकाउंट में लिख दी होगी। तभी तो बोल रहा है कि जो प्रॉफिट आया है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तो यहां पर आप लिखो सबसे पहले प्रॉफिट, और उसके लिए भी वर्ड लिखो प्रॉफिट बिफोर सैलरी बनाओ आप। 2,40,000 तो प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन, अच्छी तरह से लिख लो, और प्लस जो आपको 60,000 सैलरी आपने दे दी वाई को वो यहां पर आपको लिखनी होगी। तो अल्टीमेट हमारा प्रॉफिट कितना आया बिफोर सैलरी? 3 लाख, और मैनेजर को जो कमीशन मिलना है वो इस अमाउंट पर मिलना है, 240 पर नहीं। ये 60,000 तो बाई चांस बाई मिस्टेक हमने पी एंड एल अकाउंट में ले लिया होगा डेबिट साइड, गलती से लेना था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट कर दिया तो रिवर्स इफेक्ट हो गया, नल इफेक्ट हो गया। रियल प्रॉफिट कितना आया हमारा? 3 लाख। ये पॉइंट समझ आया? मैनेजर को कमीशन अब इस पर मिलेगा और वो आपको यहां शो करना होगा, वो मैनेजर कमीशन ये रहा 5% ऑफ 3 लाख, कितना बन गया ये? 15,000 करोगे तो आप, ये रहा। ये क्लियर हुआ? दोबारा समझ लो, जो प्रॉफिट दे रखा हो और उसमें से कोई भी आइटम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की माइनस हुई है तो उसको ऐड कर दो। 60,000 हमने लेने तो पी एंड एल में थे, लेकिन हमने जो प्रॉफिट निकाला आफ्टर चार्जिंग सैलरी निकाल दिया, तो हम इसको ऐड कर दें तो बिफोर सैलरी बन गया। इसी को बोलते हैं नेट प्रॉफिट, जो हम ट्रेडिंग के नीचे बनाते हैं पी एंड एल। अब एक एक्सपेंस हमारा बच गया, मैनेजर को कमीशन देना है प्रॉफिट पर, तो 5% दे दिया। ये जो आपका आया ये रियल प्रॉफिट आ गया आफ्टर मैनेजर से कमीशन। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, यहां लिख दो। ये तो बन गया हमारा, ये वर्किंग में बना लिया करो आप 3 लाख, और इसके आगे लिख दो टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ट्रांसफर करेंगे। ये चीज समझ आई? दोबारा समझ लो, जो प्रॉफिट दे रखा है वो लिखो सबसे पहले, यदि उसमें से कोई ऐसी आइटम माइनस हुई हुई है तो उसको ऐड कर दो जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आनी थी। सैलरी लिखनी यहां थी लेकिन हमने पी एंड एल में ले ली होगी जिस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस बनाए थे, तो हमें प्रॉफिट चाहिए बिफोर सैलरी, कितना आया था 3 लाख, उस पे मैनेजर को कमीशन दो। मैनेजर को कमीशन 240 पर नहीं मिलेगा क्योंकि रियल टीम नेट प्रॉफिट कितना आया 3 लाख, 15,000 दिया 5% से। अब जो ये प्रॉफिट आया ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, ये यहां ले जाओ, ये यहां लिखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा नेट प्रॉफिट आया है। ये कितना लिखोगे इसको? 2,85,000। ये चीज क्लियर हो गई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो सैलरी थी मैंने आपको बताया, इधर लिखते हैं तो इसको सैलरी क्योंकि यहां देनी थी, लिख दो वाई सैलरी, दोनों जगह लिखते हैं 60,000। यहां तक क्लियर हो गया?
अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, वो भी लिख दो या टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो एक्स की है और एक वाई की, कितनी कितनी आएगी वो भी बता देता हूं। देखो इसकी कैपिटल दे रखी है 8 लाख, यहीं कर देता हूं कैलकुलेशन, क्यों नीचे जगह नहीं है, 5% करो तो ये तो बन गई आपकी 40,000 इसकी। ऐसे ही वाई की कर दो, यहां पर वाई की कैपिटल दे रखी है 6 लाख, इंटू कर दो 5/100, 5% का रेट है, कितनी बन गई 30। टोटल आपका जो बन गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब आगे चलते हैं, अब इसके अंदर अब इधर का टोटल करो, ये तो बन गया 2,85,000, क्योंकि इधर की साइड ज्यादा है और इधर की कम है, 2,85,000। ये प्रॉफिट ट्रांसफर करो, लिखो यहां पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, कितनी कितनी देनी है वो लिखते हैं, वाई कैपिटल, और रेशियो भी क्वेश्चन में दे रखी है 3:2, तो ध्यान रखेंगे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले तो प्रॉफिट निकालो, कितना आया प्रॉफिट, आया 1,55,000। वो कैसे आया वो आपको समझाता हूं, मैं दिखाता हूं आपको, ये डिविजुअल प्रॉफिट यहां लिख लिया करो, उधर का टोटल करो क्रेडिट साइड का, वो बनता है 2,85,000, और माइनस करो उसमें से 1,30,000 जो डेबिट साइड का टोटल है, इन दोनों का टोटल करो तो कितना बनता है 135, उसमें से आप इसको माइनस करो तो कितना प्रॉफिट आ गया 155, और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एक का तो बनेगा 93,000 लिख लो और एक का बनेगा 62,000, ये यहां ट्रांसफर कर दो इसका, ये तो 93,000 और ये 62, ये चीज क्लियर हुई, ये लो ये आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे होना था, हल्का सा रिकॉल कराता हूं दोबारा से, सबसे पहले प्रॉफिट लिखो बिफोर सैलरी, क्योंकि सैलरी माइनस हुई है इस क्वेश्चन में, तो ऐड कर दो तो बिफोर सैलरी ये प्रॉफिट आया, इस पर मैनेजर को कमीशन देना है 5%, तो कमीशन लिख दो 15,000। अब जो आ गया ये नेट प्रॉफिट आ गया, ये ट्रांसफर होगा पी एंड एल अकाउंट में, ये 285, फिर सैलरी इधर लिखनी है याद रख लो, क्योंकि हमने यहां जो इधर क्रेडिट करी वो तो नल इफेक्ट कर दिया, गलती से पी एंड एल में डेबिट कर दी थी, हमने उसको क्रेडिट कर दिया तो नल इफेक्ट कर दिया पी एंड एल अकाउंट में, जो मिस्टेक हुई थी, रियलिटी में तो सैलरी यहां नहीं थी, यहां लिख दी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, 5% दिया था, फिर जो डिविजन प्रॉफिट आया 155, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक का बन गया 93,000, एक का बन गया 62, तो एक तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं 18, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होगा वर्किंग में, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं उसके बाद बताता हूं क्यों बनाना होगा। लिखा हुआ है अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दो पार्टनर दे रखे हैं अतुल और मिथुन, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है 3:2। आगे कैपिटल अकाउंट दे रखा है फिक्स्ड, अतुल का दे रखा है 5 लाख, मिथुन का दे रखा है 6 लाख, लोन भी दे रखे हैं दोनों के। अच्छा कैपिटल के आगे फिक्स्ड लिखा है तो उनकी कैपिटल फिक्स्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। लोन अतुल का बता रखा है 3 लाख, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है कि ये फर्म ने ले रखा है, एंड मिथुन 2 लाख, डेबिट, डेबिट का मतलब है फर्म ने दे रखा है मिथुन को, तो ये एक जगह से इंटरेस्ट हमें पे करना है और एक जगह इंटरेस्ट ऑन लोन टेक ओवर करना है। आगे इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, अलाउ कितना करना है, अलाउ का मतलब जो लोन फर्म ने ले रखा है 3 लाख रुपए का उसके ऊपर 8% देना है, और चार्ज का मतलब है जो उससे लेना है वो भी 8% है, क्योंकि हमने मिथुन को लोन दे रखा है तो उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम किसी को इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अलाउ, और किसी से इंटरेस्ट टेक ओवर करे फर्म तो इट इज कॉल्ड चार्ज, दोनों का रेट 8% है। अच्छा ये दोनों ही पी एंड एल अप्रोपेशन में नहीं आएंगे याद रख लो, तो ये दोनों जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये पी एंड एल अकाउंट में लेने होंगे हमें। आगे चलते हैं, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोबारा आ गया कि कैपिटल कितना अलाउ कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज करना है 5,000 ईच, दोनों से 5,000 लेना है। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव वॉज 2,28,000, प्रॉफिट कितना आया हुआ है 2,28,000, और इनको देने से पहले का आया है, इनमें से कोई भी आइटम प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुई, इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट नहीं है।
फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो फेयर में बना लिया करो, और वर्किंग नोट में P&L अकाउंट बनाओ जिसमें इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाएंगे। सबसे पहले तो यहां पर आप लिख लो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना आ गया, 2,28,000। वो क्वेश्चन में मेंशन है, नोट करना, ये रहा 2,28,000। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब एक तो इंटरेस्ट फर्म ने लेना है, जो फर्म ने उसको दे रखा है, जिसको डेबिट बैलेंस है वो फर्म ने लोन दे रखा है मिथुन को, तो उसके लिए तो यहां पर वर्ड यूज करो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिथुन। कितना देना है वो देख लो, 2,00,000 रुपए का लोन दे रखा है मिथुन को, डेबिट बैलेंस बता रहा है, इनटू करो रेट 8% है, 8/100, तो कितना बन जाएगा, ये 8 है 16,000। ये तो समझ आ गया, ये तो इधर, क्योंकि फर्म के लिए इनकम बनती है, हम किसी को लोन देंगे तो उसके ऊपर हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा इट इज द इनकम, तो इनकम में ऐड करो। और एक हमने अतुल को देना है, यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई अतुल, जो अतुल से ले रखा होगा हमने लोन, कितने का ले रखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3,00,000 रुपए का, रेट उसमें दोनों के अंदर ही 8% है, यहीं पर कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं क्योंकि जगह कम है। ये चीज समझ आ गई, ये तो बन गया P&L, क्योंकि ये दोनों आइटम ऐसी थी जो अप्रोप्रिएशन की नहीं है, जो ऐसी आइटम कभी हो जो P&L अप्रोप्रिएशन में ना नहीं हो उनको P&L में ले जाएंगे। जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन था याद करो, जिसमें मैनेजर को कमीशन देना था, तो यहां तो लिखते नहीं हम मैनेजर कमीशन, इसके लिए वर्किंग में P&L अकाउंट बना लिया करो। अब इसका टोटल करते हैं 2,44,000 लिख दो, 2,44,000, और ये बन गया 2,20,000। ध्यान रखना ये क्या चीज आ गई, ये ट्रांसफर होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये। अब जो P&L में लिखा जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन में जो लिखा जाएगा वो यहां से लिखा जाएगा, कितना आया 2,20,000, इसको यहां लिख दो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में ये हमारा रियलिटी में नेट प्रॉफिट आया था P&L का 2,20,000। यहां क्लियर हुआ ये चीज, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले प्रॉफिट लिखो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 2,28,000 दे रखा है, फिर जो ऐसे एक्सपेंस या इनकम जो P&L अप्रोप्रिएशन में ना आने हो उनको P&L में लिखेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी यहां नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो चार्ज है, मैंडेटरी है, तो P&L में आएगा, लिख लो। ये इनकम है ये भी यहां आएगी, यहां पर खाली एक ही चीज लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और नहीं लिखते कुछ, प्रॉफिट लिखते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। प्रोपेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेटेड है 5,000 ईच। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख दो, लिख दो यहां इंटरेस्ट ऑन, बहुत आराम से करते जाओ रिलैक्स मूड में, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। एक तो अतुल की और एक मिथुन, ये लो कितनी कितनी दे रखी है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में 5,000 ईच। ये मैंने क्रेडिट में क्यों लिखी, क्योंकि कोई भी पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसके ऊपर वो फर्म को क्या पे करता है, इंटरेस्ट, और फर्म के लिए क्या बनती है वो इनकम, इसलिए इधर लिखते हैं इनकम को। ये लिख दिया 10,000, यहां तक समझ आ गया। अब इधर आ जाओ, लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी दे रखी है उनकी कैपिटल वो देखते हैं जरा। एक तो अतुल की दे रखी है, लिख लो अतुल की कितनी है, और एक मिथुन, चलो रेट बता रखा है 10%, एक की कैपिटल है 5,00,000 और एक की 6,00,000, इसकी तो है 5,00,000 देखो, यानी रेट कितना बताया था 10%, तो 10/100, और एक की बता रखी है 6,00,000, वो 6,00,000 लिख दो 10/100। अच्छा इसकी तो बन गई देखो यार, 50 करो इसका बनोगे तो कितना बन गया 50,000, ये लिख दो 50,000, और इसका करोगे तो 60,000 आ गया, टोटल कर दो ये 1,10,000 आ गया। ये जो मैंने कैलकुलेशन यहां करी ये आप नीचे वर्किंग में ही कर देना, यहां स्पेस नहीं है हम इसलिए कर रहे हैं इसको, वरना कोशिश ये करो कैलकुलेशन नीचे वर्किंग में दिखाओ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो पुट कर दो डायरेक्ट 50,000 और 60 यहां, तो टोटल करते हैं, और तो कोई आइटम है ही नहीं, इधर का टोटल बन गया 2,30,000 देखो जरा। ये भी जाहिर बात है इधर का कम है तो इधर लिख दो, कितना आ गया देखा जाए तो 1,20,000, कैसे आ गया ये 120, इधर का टोटल बना 2,30,000, नीचे दिखा देता हूं ये आपको डिविजुअल प्रॉफिट 30,000 देखो, और माइनस कर दो इधर से 1,10,000, तो कितना बन जाएगा ये 1,20,000 आ जाएगा माइनस करोगे तो। इधर का टोटल करा 2,30,000 बना, इधर एक ही आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 110,
230 में से 110 माइनस करा तो कितना आ गया 120। ये अतुल और मिथुन को डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उन ये एक तो अतुल है लिख लो और एक मिथुन, और क्या रेशियो थी 3:2। करोगे तो एक का तो बनेगा 72,000, मैंने कैलकुलेट कर दिया, और एक का 48। ये पुट कर दो, यहां पर लिखो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू यहां थोड़ा सा अच्छी तरह से नोट करना, अतुल्स करंट अकाउंट लिखना। अब क्यों लिखे करंट अकाउंट वो भी समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन में उनकी कैपिटल के आगे फिक्स्ड लिखा है। हमारी दो तरीके की कैपिटल है, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो उसको फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, या क्वेश्चन में लिखा उनकी फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल के साथ करंट अकाउंट, तो वो क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल है। तब जो कुछ भी ट्रांजेक्शन है करंट अकाउंट के थ्रू होगी। और यहां लिख दो मिथुन, करंट अकाउंट, और कौन सी रेशियो थी 3:2। वैसे मैंने वहां कैलकुलेट कर दिया, इस 120 को डिस्ट्रीब्यूट करा तो इसका तो 72,000 शेयर हुआ और इसका 48,000। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे थे। दोनों में वर्किंग में प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि जो आइटम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगी उनको हम वर्किंग नोट में जाएंगे और पी एंड एल अकाउंट में ले जाएंगे, यदि गिवन है तो। क्वेश्चन में दोनों में ही थी, इससे पहले क्वेश्चन में तो मैनेजर कमीशन था, तो वो भी कभी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, उसके लिए पी एंड एल अकाउंट बनाओ उसमें ले जाओ। ऐसे ही इस क्वेश्चन में था, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया और इंटरेस्ट ऑन लोन दूसरा आ गया। एक तरफ इंटरेस्ट लेना है और एक तरफ पे करना है, ये दोनों ही आइटम यहां नहीं आनी। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की सीधी सी बात याद रख लो, जो पार्टनर्स को देना है, चार आइटम पार्टनर की डेबिट साइड आनी है। क्या चीज आनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर और रिजर्व। और क्रेडिट साइड क्या आनी है? प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, खत्म। और सारी चीजें पी एंड एल में आएंगी, ध्यान रख लो। ये चीज क्लियर हो गई? अब आज हमारे ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहां तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।